में किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अब अपराधियों की नाक में दम करेंगे। जी हाँ, राज्य में नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया। अब पुलिस बल में किन्नरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। अब सिपाही और अवर निरीक्षक पदों के लिए किन्नर की सीधी नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने शुक्रवार को इससे जुड़े संकल्प पत्र जारी कर दिए। 500 पदों पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अनारक्षित की गई है। आपको बता दें कि सिपाही स्वर्गों के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक यानी SP को होगा, जबकि अवर निरीक्षक SI के लिए नियुक्ति का अधिकार उप महानिरीक्षक यानी DIG स्तर के पदाधिकारी के पास होगा। सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक स्वर्ग के प्रत्येक 500 विज्ञापित पदों पर एक पद किन्नर समुदाय के लिए आरक्षित होगा। इस पद के लिए अलग अलग विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाएंगे। अगर किन्नर के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति कम पड़ जाती है तो अनारक्षित शेष रिक्तियों की सूची मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्रवाई की जाएगी। किन्नरों की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षिक अहर्ता बिहार पुलिस हस्ताक्षर 1978 के सिपाही तथा पुलिस अवर निरीक्षक स्वर्ग के अनुसार ही होगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड संबंधित स्वर्ग में महिला अभ्यर्थी के सामने होगा। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र विज्ञापन के अनुसार होगा और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटे के समरूप की छूट से प्राप्त होगा। न्यूज डेस्क, नेशन न्यूज, पटना।